अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जनाब। बड़ी बड़ी लोडर गाड़ियाँ देखी हैं आपने, ये गाड़ी देखें, ये आज लोड हुई है गाड़ी, ये गाड़ी नंबर है जी, ये है जी मजलूमों की आवाज़ मलक मुमताज़। मलक साहब क्या हाल है? आज तो आपने बड़ा को ये शीशा टूट नहीं जाता फ्रंट वाला, ये यार बस जिंदगी जिंदा रहने के लिए कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, तो शीशे का ख्याल नहीं किया, तो सामान लेके आ रहा हूँ आपके पास ही शिफ्ट हुआ। वो तो मुझे पता चला, लेकिन आज बड़े नायाब तरीके से आए हैं मलक साहब आप। गाड़ी के पैसे नहीं थे सुजुकी के किराया देने के लिए, मैंने कहा अपनी गाड़ी में लगा के लेते हैं, वसाइल की कमी है, तो फिर अपनी गाड़ी पे ही सामान लेके शाह साहब आ गए। अब आप जाने, आपका मल्ला जाने और मलक मुमताज जाने। मलक मुमताज साहब एक शेर कहते होते हैं, बारां दे डाकू चमन लुट के लै गए, मोहब्बत विखा के अमन लुट के लै गए, वफा दी कश्ती नूं इंज सजना लुटिया, और मैयत ते छड़ गए कफन लुट के लै गए। क्यों जी मलक साहब, अवाम को क्या पैगाम देंगे? अवाम को ये पैगाम देंगे कि मेरी तरह टाइम नहीं ज़ाया करना किसी सियासी के पीछे लग के, अपनी मजदूरी करनी और अपने काम से काम रखना है। सियासी लोग होते हैं वो बंदों को इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करके अपने काम और अपने मुफादात निकाल लेते हैं, बाद में मारे जैसे करकुनों की ये हालत होती है। तो जब हमने गणेश कॉलोनी में बिस्मिल्लाह की थी, तो जिन लोगों के साथ हमने जिंदगी में सियासत की है, तो उनके पास एक टूटा हुआ मकान था और वो सिगरेट और उनके हालात भी इसके किस्म के थे, लेकिन लोगों को इस्तेमाल करके लोग अरबोंपति बन गए और हम ये अच्छा जी हमारी ये हालत है। अब इंशाल्लाह इंकलाब ज़रूर आएगा। कोई एक शेर खसूसी सा अपने इलाके के लोगों के लिए? मैं जिनके साथ रिलेशनशिप रही है उनके लिए शेर बोलता हूँ, एक शेर उनके खिदमत में अर्ज करता हूँ कि उजड़े हुए दिल में महकते हुए जज्बे नहीं मिलते, सहरा में कभी चहकते हुए परिंदे नहीं मिलते, न जाने वो लोग क्यों उतर जाते हैं दिल में मुमताज, जिनसे किस्मत के सितारे नहीं मिलते। वाह जी वाह मलिक साहब, ये जा रहे हैं सर मलिक साहब, ठीक है शाह जी, अल्लाह हाफिज़ जी मलिक साहब।